नाभा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा की तरफ से केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। मोदी के पुतले को आग लगाई। भारतीय किसान यूनियन उग्रहा की ओर से नाभा के मुख्य चौक बोड़ा गेट में किसान यूनियन की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार ने लोगों के ऊपर लगाए गए CAA, NRC, NPR लोक विरोधी कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में बैठे मुसलमान भाईचारे की औरतें, बच्चे और मर्दों को संघर्षशील लोगों की हिमायत में कल BKU एकता उग्रहा की तरफ से 10 बस में किसानों की भर कर दिल्ली भेजी थी, पर दिल्ली पुलिस प्रशासन ने बसों को रोककर शाहीन बाग जाने से पहले गुरुद्वारा बाला साहिब में रोक लिया। किसानों ने कहा, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन ने धरने में शांतमयी रूप में शामिल होने के लिए जा रहे पंजाब के कीर्ति लोगों को रोकना जमहूरियत के बिल्कुल गलत है। किसानों ने कहा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब से ही मोदी सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया। यूनियन एकता उग्रहा वालों, मैं मनजीत सिंह घराचों ब्लाक भवानीगढ़ का सीनियर मीत प्रधान हाँ। अज नाभे के अंदर केंद्र सरकार का पुतला फूक रहे हैं, इस करके जिहड़ा NRC नागरिक सोध इन्होंने बिल तैयार किया है लोगों लई मुसलमान भाईचारे लई, एक कानून नू वापस लैण। जिहड़ी साडी पंजाब दी टीम अज 800 बंदा लैके रात दिल्ली दे अंदर पहुंची है, इन्होंने गुरद्वारे च रोकिया होया, उन्हां नू मतलब उत्थे शहीन बाग पहुंचण देण जे ना दिता गया तां आउण वाले समय च असीं इत्थे वड्डा प्रोग्राम पंजाब दे अंदर करांगे, उहदे विच रेलां भी रोक सकदे हां, असीं चक्का जाम भी कर सकदे हां। इह सरकार नूं असीं इह कहना चाहुंदे हां, सरकार इस गल तों वाज आवे, इह कानून नूं वापस लवे। इह कानून बहुत घातक है, भाई मार जंग इह वड्डे पद्धर ते लाउण जा रहे है, जिहदे विच इह आपदियां करतूतां ने जिहड़ा रुजगार नहीं दे सके, किसान खुदकुशी करदा है, देश का बेड़ा गर्क हो गया, देश की आर्थिक स्थिति है जिहड़ी डाउन चली गई, उहनूं लुकाउण वास्ते बिल नूं लैके आए ने भी लोग इहदे विच रुझ जाण, साडे कनीना चाकण साथों मंगा ना मंगण जिहड़ियां मतलब देश दे विच बेरोजगारी दा वड्डा पद्धर ते रौला पिया है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, धड़ाधड़ जिहड़े साडे बच्चे ने बाहर जा रहे हैं। सारिया गल्लां नूं लुकाउण वास्ते इन्हां ने जिहड़ा कानून है NRC ये लैके आए है। इत्थे अज सरकारां जिहड़ियां उह मुलाजमां दीआं तनखाहां नहीं दे सकदे, मुलाजमां दीआं तनखाहां कट्टियां जा रहियां ने, इस गल दा रौला देश दे विच पिया होया सी, उहनूं लैके इक माड़ा कानून लैके आए ने भी दे इहदे विच रुझ जाण, ये तो बाद आवे सरकार ये कानून नूं वापस लैणे, साडी मंग है। असीं वड्डे पद्धर ते 16 तरीक नूं सारे मतलब लोगों असीं सारे मजहब के लोगों ये हिंदू भाईचारे का बहुत बड़ा साथ है। एक पासे कह रहे भी ये असीं मुसलमानों नूं बाहर कढ़ना, ये गल नहीं, हिंदू भाईचारा ये पूरा पिट से खड़े है। 16 तरीक नूं असीं मरेरकोटले के अंदर बहुत बड़ा कट कर रहे हैं, उहदियां धड़ाधड़ रैलियां चल रही ने मरेरकोटले दे आले दुआले पिंडां च, असीं अपील करते हैं 16 तरीक नूं मरेरकोटले की धरती ते पहुँचो, ये सरकार नूं दस सकीए, ये सरकार नहीं ये गुंडागर्दी है जिहड़ी, ये बंद करनी चाहिए है। गुंडागर्दी का राज ना करन, जिहड़ा कम बनता राजे का वो करना चाहिए, प्रधानमंत्री नूं इस गुंडियां दे अमित शाह वर्गियां दे धक्के नहीं चढ़ना चाहिए, सोच समझ के देश नूं चलाउण, असीं इहदा डट के विरोध करदे हां। तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। 16 तरीक नूं किन्ने जत्थेबंदी भाग लै रहे हैं? जथेबंदियों के खासियां ने उत्थे आए तो पता लगू 11-12 जथेबंदियां ने, उहदे विच लोगों का बहुत वड्डा इकट्ठ होना मरेरकोटले के अंदर 16 तरीक नूं, इस करके थोड़ा सारिआं दा धन्नवाद। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा की आगू टीम सूबा टीम दिल्ली में पहुंची आ मुसलमान भाईचारे की हिमायत, जो शहीन बाग के लंबे समय तो धरना चलता आ रहा। साड़ी आगू टीम नू दिल्ली के बाला जी गुरद्वारे रोकया गया, धरने के शामिल नहीं होने दिता, उसके विरोध में असी मोदी सरकार की अर्थी फूक रहे। सूबा कमेटी के सदे से जो भी फैसला आएगा वो मुताबिक असी वो फैसला लागू करांगे।